इस तरह का टायर मेरा 5-6 टायर फटा हुआ है। तेरा जो से बराबर ब्लास्ट कर रहा है, ये निकल गया, ये निकल गया। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम इसी तरह का रिंग है, वो देख के परचेज करेंगे कब की मैन्युफैक्चरिंग टायर आपको लग के मिल रही है गाड़ी। टायर हाँ, टायर घिसते रहेगा। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे। मैं हूं सोनू, स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोस्टिक ट्रक पे। तो जैसे देख रहे हैं, हमारा एक खड़ी है टाटा की 4830 BS6 फेज 2, और देख सकते हैं डिफरेंट जगह पे खड़ी है। और आज का जो वीडियो है फ्रेंड, वो अलाइनमेंट से रिलेटेड बताऊँगा। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो टायर का, मतलब वेयर एंड टेयर का है, मतलब अन ईवन वेयर हो रहा है। तो उसके लिए इस गाड़ी को अलाइनमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलाइनमेंट के टर्म एंड कंडीशन लगे हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं, फर्स्ट है यहाँ पे आपका टॉय वेयर, कैमर वेयर, सेंटर वेयर, एज वेयर, पैच वेयर, कप वेयर, और सारे के फोटोज़ लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको मतलब कुछ दिख नहीं रहा, वहाँ से ये टायर वेयर होता है। एक बार ही आप इसको देख के देख सकते हैं आपका टायर किस टाइप से वेयर हो रहा है। और फिर आप अलाइनमेंट वगैरह कराना चाहें तो करा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे कि अलाइनमेंट की ज़रूरत है, तो ये टायर का सीक्वेंस देख करके आप समझ सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ जो टायर का दिक्कत है वो आपको एक बार दिखाते हैं फ्रेंड। जिससे टायर फटने का भी है, देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का टायर मेरा 5-6 टायर फटा हुआ है और इधर साइड से निकल जाता है। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे साथ में जो ड्राइवर भाई हैं उनको क्या दिक्कत हो रहा है उनसे जानेंगे, और उसके बाद गाड़ी को अलाइनमेंट वगैरह करेंगे, उसके बाद देखेंगे। मतलब कुछ 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर चलने के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं होता है। तो पहला चीज़ ये बताइए कि आपकी गाड़ी में अभी प्रॉब्लम है क्या? जी अभी प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट का काम है, थोड़ा सा स्टीयरिंग बबलिंग मार रहा है, बबलिंग कर रहा है जी, वो काम है। और टायर मेरा जो है बराबर ब्लास्ट कर रहा है, ब्लास्ट हो रहा है जी। टायर जो है ना सो बीच में से फट जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जी डैमेज हो चुका है, ये पूरा बीच में से डैमेज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद साइड से इधर ये निकल गया, ये निकल गया। इस तरह का टायर मेरा पास 3 टायर और पड़ा है जी। मतलब ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है जी, मेरा ये टायर में ही प्रॉब्लम है। और इधर टायर में जो है सो फटा हुआ है, आपको नीचे से दिखा सकते हैं। इधर देखिए इस तरह का, इसी तरह का फटता है जो ना, फट रहा है। देखिए उधर तार दिख रहा है ना अंदर में, वो तार दिख रहा है जो अंदर में स्टील का जो कोटिंग होता है वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और एक इधर में उसी तरह में बीच में है, बीच में भी जी चक्का भी इधर घुमा हुआ है, दिखा देंगे। वो बीच में है, बीच में है जी, जो कि अभी विजिबल नहीं हो पा रहा है जी। और जो टायर वेयर हो रहा है अनइवन, वो आप दिखाइए कहाँ पे जी। ईयर हो रहा है वो भी है, दिखा देते हैं ईयर वाला किधर चला गया। ये देखिए ये सब तो उधर नीचे चला गया बहुत ज्यादा। जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे हल्का एयर ली हुई है टायर, ये देख सकते हैं वहाँ दिख रहा है ना। और उस पर बाहर वाला और ज्यादा है, एक इधर से निकलता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा। तो जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे आपको अगर कैमरा में विजिबल हो पाए, यहाँ पे भी हल्का एयर लिया है टायर। तो टायर में ये सब दिक्कत आज के जितने भी BS6 फेज 2 है वो सब में आ सकता है। तो आप जब भी व्हीकल परचेस वगैरह करें तो टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो देख के परचेस करें कि कब की मैन्युफैक्चरिंग टायर आपको लग के मिल रही है गाड़ी में। और इसे देख सकते हैं, क्लीन करके हम लोग चेक कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा, नहीं यहाँ पे नहीं है, नहीं वहाँ नहीं है, इधर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे देख हाथ में छूने से पता चलता है, ये हाथ पे पता चलेगा, मुझे फील हो रहा है लेकिन आपको विजिबल नहीं हो पा रहा। जैसे ही देखे तो फ्रेंड यहाँ पे भी एक मिला है, मतलब लगभग टायर में ये दिक्कत है। और एक बार इसका दिखाते हैं आपको टायर नंबर, ये देख सकते इसका टायर नंबर है यहाँ पे, और टायर नंबर देख के आप पता कर सकते हैं। उसका मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूंगा, आप कब का मैन्युफैक्चरिंग है टायर वो आप पता कर सकते हैं ये टायर नंबर से ही। तो आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना टायर नंबर ही सर्च करके देख सकते हैं कब का मैन्युफैक्चरिंग। उसका फॉर्मूला मैं, मेरे पास लिखा हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। और बाकी इसमें भी क्या काम होता है वो दिखाएंगे, और ड्राइवर भाई भी बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत आया था जब ये प्रॉब्लम हुआ था। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे साथ में टेक्नीशियन जुड़ चुके हैं और ये बताएंगे क्या कुछ इसमें करना पड़ेगा और क्या कुछ दिक्कत है अभी। तो स्टार्ट कीजिए अरविंद भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले बताइए। जी मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं टाटा वर्कशॉप में मैकेनिक हूँ और मैं व्हील अलाइनमेंट का टेक्नीशियन हूँ। मैं सब गाड़ियों में व्हील अलाइनमेंट करता हूँ। व्हील अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपका अगर टायर में कुछ प्रॉब्लम है तो क्यों है, कैसे है, क्या करना है उसके लिए, वो सब के बारे में नॉलेज मिलता है और काम भी होता है गाड़ी में। अच्छा अरविंद भाई, एक चीज़ और है, जो आप पोस्टर लगाए हैं ठीक है,
उसके हिसाब से तो ये गाड़ी में टायर वेयर नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का टायर वेयर है। हाँ हाँ, तो उसके लिए क्या अलाइनमेंट ही करना होगा? अलाइनमेंट सबसे पहले हम लोग चेक करके देखेंगे, अगर उसके अलाइनमेंट से अगर कुछ दिक्कत है हाँ। तो अलाइनमेंट करने के बाद गाड़ी को एक टिप चला के देखेंगे, अगर सही चलता है हाँ। तो फिर ठीक है, अगर नहीं है हाँ। तो इसका अगला स्टेप लिया जाएगा, स्टेप लिया जाएगा। वो मतलब उस टाइप का वेयर एंड टियर देख करके फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाए कि और क्या कुछ कर सकते हैं, और क्या कुछ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप मशीन को फिट कर रहे हैं? अभी हम मशीन को फिट कर रहे हैं, इसमें सेंसर लगेगा, सेंसर वाइज चेक होगा, ए टू जेड आगे से लेके पीछे तक सब चक्का का चेक होगा। ठीक है, और जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ ये वाला में लगेगा और पीछे में एक लगेगा। हाँ हाँ, और सारे व्हील को चेक किया जाएगा, वो बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि अभी लगने दीजिए सेंसर, रिम का कॉलर जो है टायर पूरा ढाप लिया, अच्छा ढक लिया, इसमें शायद सेंसर फिट नहीं हो पाएगा, इसका हवा डाउन करना पड़ेगा चक्का का। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अभी इसका रिम में जो यहाँ कॉलर है इस पर फिट होता है, ये पूरा ढका गया है और ये इधर से टायर आ गया है। इस तरह रखता नहीं, ये बाहर आ चुका, है तो इसके लिए हवा थोड़ा हवा इसमें ड्रेन करना होगा ताकि ये आराम से लग सके। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो कॉलर बना हुआ है, ये देख सकते हैं ये रिम पे लगता है। ये अधिकतर ब्रिजस्टोन टायर जितना है, ब्रिजस्टोन टायर में ये अधिकतर इस तरह का केस देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कि वो रिम का कॉलर को जो है वो पकड़ लेता है पूरी तरह से। तो अभी मेनली हवा को थोड़ा हाँ, मेनली हमको हवा डाउन करना पड़ेगा इसका। और जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, ये है व्हील अलाइनमेंट का मशीन और यहीं से अलाइनमेंट वगैरह चेक होगा। और जैसे देख सकते पिछली गाड़ी हुई है टाटा 3530 TK चेक, और अभी जो मॉडल है वो आ गया यहाँ पे जब सेंसर वगैरह फिट हो जाएंगे। और कुछ ऐसा इंटरफेस है मशीन का, और ये चारों सेंसर है 1 2 3 4, ये चारों सेंसर फिट होंगे। उसके बाद ये वायर से भी कनेक्ट होता है और ये विदाउट वायर वायरलेस भी ये काम करता है। अगर बैटरी वगैरह डाउन होता है तो वायर से कनेक्ट करके काम किया जाता है। अगर बैटरी इसका सही है, चार्ज है, तो आपका वायरलेसली ये काम करेगा। तो देख सकते हैं गाइस, फाइनली हवा ड्रेन करने के बाद इसका ये फिट हो गया है। और देख सकते हैं हवा बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया है इसका, अब इसमें हवा फिल करना पड़ेगा, जो कि ड्राइवर साहब का काम है, वो खुद कराएंगे। हाँ, बिना डलाए गाड़ी नहीं चलाइएगा। हाँ, और इस साइड का तो लग गया आराम से, और अभी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला। नेक्स्ट स्टेप अब ये लगेगा, उसके बाद सेंसर्स लगेंगे और फिर टायर लिफ्ट होगा। लिफ्ट होने के बाद सारा एडजस्ट होगा, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा। ये देख सकते हैं गाइस, MRF का क्वालिटी और टायर एकदम ख़त्म हो गया है। फिर भी देख सकते हैं रिम को छोड़ करके अपना ये काम कर रही है, और देख सकते हैं ये पूरा फट गया है, फिर भी ये मतलब रिम को इम्पैक्ट नहीं कर रही है। और ब्रिज स्टोन वाला देख सकते हैं, ये रिम का बैंड बजा के रखी है, रिम को एकदम जकड़ के रखी है। जैसा कि ये कभी जिस दिन ओवरलोड चलेगा इसमें हाँ। ये तो काटना ही है, इसको कटेगा ही कटेगा, पूरा कट लग जाएगा। टायर थोड़ा फ्लेक्स करती है ओवरलोड या फिर ज्यादा लोड होने पे। ओवरलोड तो ये गाड़ी चलती नहीं है, वो टायर देख के ही पता चल रहा है, और टायर का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है गाड़ी में। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेट वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि एक्सल वाइज इसको चेक मतलब सेट किया जाता है, उसके बाद इसको चेक करते हैं। और ये अपन मॉडल सेलेक्ट होगा 4830 है ना? हाँ, जैसा कि देख सकते हैं LPT 4830 तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। और क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, वो यहाँ पे लोडेड रहता है इनका, और उसके बाद ये अलाइनमेंट को मशीन को निकाल के लगाते हैं। सेंसर नॉट कनेक्टेड और इज नॉट टर्न ऑन, मतलब दोनों में से कोई कंडीशन एक हो सकता है। और ये जैसे थे गाइस, सेंसर अब वन बाई वन करके फिट होगा, और उसके बाद इसको चेक किया जाएगा। पावर ऑन हो गया सेंसर, जैसे देख सकते रेड कलर का लाइट इसमें आ गया। और ये दूसरा सेंसर फिट होते हुए, और इसको भी पावर ऑन किया जाएगा। ये चारों सेंसर कनेक्ट हो गया फ्रेंड, और तो पार्किंग ब्रेक को रिलीज हाँ, कर रहे हैं। हैंड ब्रेक आप छोड़ा दीजिए। और फ्रेंड देख सकते सारा सेंसर कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो चेंज हो गया है, क्योंकि अभी इसका जो बैलेंसिंग है वो कर किया जाएगा, उसके बाद सेंसर सारे एक्टिव हो जाएंगे। उसके लिए टायर लिफ्ट हो गया है, जो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे जक के थ्रू ये एक्सल उठ गया है,
तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका मतलब मूव करके इसका बैलेंसिंग किया जा रहा है। पहले जो सेंसर है वो अलाइन हो जाए, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर लगा हुआ है, और ये चारों व्हील का करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके सारे सेंसर एक्टिव होंगे जो कि सही रीडिंग बताएंगे कि कितना कुछ एडजस्ट हुआ है। और ये हो गया फ्रेंड लॉक, अब ये यहाँ से हिलेगा डुलेगा नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे दो सेंसर जो है वो एक्टिव हो गए हैं, तो उसके लिए ग्रीन ग्रीन आ गया, और अभी दो एक्टिव नहीं है वो एक्टिव होंगे, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा जो कि आपको दिखाने वाले हैं अभी। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला टायर भी लिफ्ट हो गया है, ये वाला एक्सल, और अब दोनों का कैलिब्रेशन होगा। इस साइड का हो चुका है, अब उस साइड का होगा, उसके बाद इसको डाउन कर दिया जाएगा और टायर यहीं पे लॉक रहेगा। उसके बाद अलाइनमेंट चेक किया जाएगा, कितना अलाइनमेंट इसका मतलब भागा हुआ है, और मतलब कौन सा टायर रॉड या फिर कौन सा रॉड को एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इसका। और इसमें बहुत टाइम टेकन लगता है फ्रेंड, आपको वीडियो भले छोटी लग रही होगी बट टाइम बहुत लगता करने में। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे डेटा आ गया है, और अरविंद भाई बताएंगे कि क्या कुछ इसमें दिक्कत है अभी। तो बताइए अरविंद भाई, प्रॉब्लम है कहाँ से इसमें एक्चुअल में? ये प्रॉब्लम इसमें पीछे चक्का में तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। पीछे चक्का का स्पेसिफिक जो है 0.07 दिखा रहा, जो कि हरा में है। हाँ। हरा का मतलब है कि वो अपना रेंज में है, रेंज में है। हाँ, वो रेंज से बाहर नहीं गया है, ठीक है उसका, यानी कि पीछे चक्का का सब कुछ ओके है, पीछे में हमको कुछ नहीं करना है इस गाड़ी में। अच्छा, अभी हमको आगे में चल के देखना है कि आगे का क्या स्थिति है। आगे का देखते हैं, आगे का स्पेसिफिक रेंज है आपका 0.0 हो चुका है, क्योंकि 0.0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। इसे 2 से 3 mm के बीच में इसको होना चाहिए, जो कि ये 0.0 में है, तो ये सरासर गलत है, इसीलिए रेड कंडीशन में दिख रहा है। ओके ओके। रेड इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अभी मिलाने के लिए पहले आगे को एडजस्ट करेंगे। हाँ, जब मेरा पीछे ओके है तो पीछे से हम आगे जब जा रहे हैं तो आगे देख रहे हैं कि मेरा आगे में फॉल्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि आगे चक्का में प्रॉब्लम रहेगा, फिर भी पीछे चक्का का हल्का हल्का टायर, हाँ टायर घिसते रहेगा। ओके, ठीक है। तो इसीलिए हम आगे को अभी सेट करेंगे। आगे को सेट करने के लिए हमें अभी इसका मेजर कैस्टर बोल के एक रीडिंग आता है अलाइनमेंट करने के लिए, वो रीडिंग हमको लेना पड़ेगा। Okay. ये देखिए मेजर कैस्टर का यहाँ पे लोगो दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपनी जगह पे हमको पहुँचा देगा। ओके, इसको रेडी करेंगे और हम स्टेयरिंग से इसको मेजर करेंगे। जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड, इसका टायर अभी मतलब एंगल अलग है, तो उसको अभी एडजस्ट करके मतलब स्टेयरिंग को सीधा करके उसके बाद इसको मेजर वगैरह किया जाएगा। और ये एरो आ रहा, अब एरो आ गया अपनी जगह पे मिडिल में, उसके बाद इसको छोड़ा जाएगा और वहीं से वो चेक कर ले रहा, वहीं से उनको दिख जा रहा। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो कि आपको कैमरा में दिखा रहे हैं। और फ्रेंड चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड और कमर्शियल व्हीकल्स से रिलेटेड वीडियोज लाता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए तो फ्रेंड नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी, तो आप सबसे पहले देख पाएंगे, अपडेट आपको पहले मिल पाएगा। ये हो गया फ्रेंड, मतलब देख सकते हो वो जो एंगल है ये सीधा हो गया है। तीन चार राउंड में इसको मिलाना पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे धीरे 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 स्टेयरिंग को मूव किया जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं, कम हल्का हल्का पता नहीं चल रहा होगा आपको वीडियो में, मुझे भी दिख नहीं रहा कि कितना वो एंगल का एडजस्ट कर रहा है, बट यहाँ से पता चल रहा है कि एडजस्ट हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, सारा स्टीयरिंग वगैरह एडजस्ट हो गया, और अरविंद भाई बताएंगे कि अब और क्या आगे प्रोसेस होने वाला है। देखिए फाइनली ये कैस्टर का मेजर कैस्टर का रीडिंग ले चुका है हमारा मशीन, अब इसको हम चेक करेंगे कि कितना ये आउट है तो कितना इन है। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये स्टीयरिंग का दिखा रहा है, ये अभी स्टीयरिंग थोड़ा सा आउट है, और ये हमारा दिखा रहा है टोटल टोस, यही होता है लाइनिंग अलाइनमेंट। ये आपका -0.6 mm में चला गया,
अभी रीडिंग लेने के बाद, रीडिंग लेने के पहले आपका 0-0 पोजीशन में दिखा रहा था, अभी रीडिंग लेने के बाद आ गया 0.67 में चला जा रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से गलत है। ये एरो का निशान भी बीच में होना चाहिए, जो कि आपका पूरा इधर लेफ्ट साइड में चला गया है। ये अभी इसको हम मिलाएंगे, और जैसे मिलाएंगे वैसे तीर का निशान बीच में आ जाएगा, और ये 2 से 3 के बीच में ये आपको यहाँ दिखने लगेगा, और मिलाने के बाद इसको लॉक करेंगे। मिलाने के बाद इसको लॉक करेंगे, उसके बाद फिर मेरी आगे की काम, फिर आगे काम चालू। और फ्रेंड यहाँ पे ये जो रॉड है इसको एडजस्ट किया जा रहा है 5 इंच की मदद से, और उसके बाद चेक किया जाएगा वहाँ मशीन में, जो कि आपको दिखाएंगे आगे। और फ्रेंड ये जो बॉल है इसको लॉक किया जाएगा ताकि ये घूमे ना, और वहाँ पे भी ये बॉल को टाइट किया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको पहले लूज किया जाता है एडजस्ट करने के लिए, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट टाइट करते हुए आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड एडजस्ट होने के टाइम में ये आ गया अपनी जगह पे। और अरविंद भाई ये रीडिंग सही है? हाँ रीडिंग सही है, क्योंकि इसका रेंज हमने बताया था कि 2 से 3 के बीच होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रेंज दिखा हुआ है, 2 इधर है, 3 इधर है, उसके बीच में ये है 2.34 हो रहा है, यानी कि ये रेंज पक्का सही है। सही है, ये इसको अब लॉक करेंगे, हम लॉक करेंगे जो कि बोल्ट से हो रहा है। तो गाइस सेकंड स्टेप में हम लोग ये वाले एक्सल को एडजस्ट करेंगे, और इसका जो कैलिब्रेशन है वो हो चुका है, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाते हैं। तो अरविंद भाई बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ मिला है और क्या हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। ये देखिए इसमें हमको इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब होता है कि फ्रंट एक्सल और फ्रंट एक्सल टू का जो कंपैरिजन होता है, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, वो चीज़ हम लोग इसमें सेट करते हैं। और वो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा आउट बता रहा है, ये 0°35 बता रहा है, ठीक है। 0°35 का मतलब होता है कि ये 1 mm को हम लोग 3 डिग्री में नापते हैं, यानी कि इसका मतलब ये लगभग 10 mm का ये फासला है। ओके 10 mm ये आउट है, इसको हम लोग को सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर टायर में बहुत तरह का दिक्कत आ जाएगा। गाड़ी बबलिंग करेगा, गाड़ी का टायर दबाएगा, ठीक है, स्टेयरिंग तो थोड़ा सा बबलिंग ज़्यादा करेगा, यही सब प्रॉब्लम आता है। जो कि ड्राइवर साहब पहले बताए थे, जैसा कि आपने देखा वीडियो के स्टार्टिंग में कि गाड़ी मेरा बबल कर रहा, तो ये एक रीज़न हो सकता बबल करने का। हाँ ये सबसे बड़ा रीज़न यही। और फ्रेंड इसमें जो एडजस्टिंग होने वाला है ये वाला रॉड का होने वाला है, ताकि ये दोनों का जो कैलिब्रेशन है वो सही से हो जाए, और इसी को चेक किया जा रहा है, उसके बाद इसको लॉक किया जाएगा। और यहाँ से ये देख रहे हैं डिस्प्ले में, जब तक सही नहीं आएगा तब तक इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे। और आपको एक बार डिस्प्ले में भी दिखाते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे मूव हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट करने के टाइम में ये डिग्री यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, देख सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड ये कम होने लग गया है, और इसको -0.02 डिग्री तक लेके जाना है, और देख सकते हैं ये अब अपने जगह पे आ रहा धीरे धीरे, क्योंकि एडजस्टिंग सही हो रहा है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, ये देख सकते हैं ये आ गया आपने सही अलाइनमेंट पे। और अलाइनमेंट का मेन मकसद यही होता है फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा। और भी अभी आपको कुछ बताने वाले हैं, और ड्राइवर साहब से भी कुछ हो सके बात करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड 0-0 में आ गया है, और ये अलाइनमेंट सही हो गया है। अरविंद भाई ये अलाइनमेंट सही हो गया, मतलब आगे का जो दोनों एक्सल सही हो गया, और पीछे का तो सही था ही। हाँ, कि पीछे का भी एडजस्ट करना, इसमें एक स्टेप और बाकी है, इसमें सेकंड एक्सल का टोटल टोज बाकी रह गया है। ओके ठीक है, इसको ओके करेंगे वो टोटल टोज आ जाएगा। ओके टोटल टोज में ये दिखा रहा 0.3 mm, जो कि ये गलत है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 2 से 3 इसका भी रेंज होता है, इसको 2 से 3 के बीच इसको भी करके छोड़ना, तब ये सही, तब ये परफेक्ट हो जाएगा। आगे से लेके पीछे तक सबका अलाइनमेंट एकदम पक्का हो जाएगा, उसके बाद लॉक कर दिया, उसको लॉक कर दिया। देखिए ये आपका पूरा फाइनल हो चुका है, सेकंड एक्सल का भी आपका टोज पूरी तरह से मिल गया है, 2 से 3 के बीच में आ गया है। ओ, तो मतलब ये फाइनल हो गया, लॉक करेंगे और गाड़ी रिलीज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ओके और ये फ्रेंड देख सकते हैं सारा रिपोर्ट यहाँ पे आपको विजिबल हो जाता है। अगर आप कहीं अलाइनमेंट कराते हैं और आपको लगता है कि वो सही अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप रिपोर्ट एक बार मंगा सकते हैं उनसे, और रिपोर्ट आप देख सकते हैं, और जो मैं रिपोर्ट आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उससे मिला भी सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 16 चक्का गाड़ी के लिए है। और आप बोलिए कि टिपर में आपका, तो टिपर में अलग होता है, सारे में अलग होता है, ये 16 चक्का में ये आपको मिलाना है। अगर आप मिलाना चाहें, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहें मेरे वीडियो से, तो ले सकते हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड यही था कुछ अलाइनमेंट से रिलेटेड वीडियो आज का। और अगर आपका टायर वेयर हो रहा तो एक बार ये आप कमेंट कीजिए कि कहाँ से वेयर हो रहा, और आप इंस्टाग्राम पे हमको फोटो भेज सकते हैं, ताकि मैं टेक्नीशियन से बात करके आपको बता पाऊँ कि क्या कुछ इसमें दिक्कत है और कहाँ से दिक्कत हो सकता है। और कोशिश कीजिए कि कोई अच्छे वर्कशॉप में ही अलाइनमेंट वगैरह कराए, लोकल में ना कराए,
ताकि आपका कोई भी तरह का दिक्कत आए तो वो अच्छे से चेक कर पाए। लोकल में काम एक्चुअली फ्रेंड होता है, अच्छा भी होता है ख़राब भी होता है, और वर्कशॉप में है या फिर अच्छी जगह पे अच्छा ही काम होता है। तो ये आपको फाइंड खुद से करना है कि काम को काम करवाना है। और टायर का फ्रेंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और डीजल एक खर्चा एक टायर खर्चा, अगर वो दोनों सही रहेगा तो ऑनर सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाता है। तो यही था कुछ रिलेटेड अलाइनमेंट से कंटेंट और वीडियो जो आपके सामने लेके आए हैं। तो फ्रेंड अच्छा लगा वीडियो एक लाइक कीजिएगा, कोई भी तरह क्वेरी होगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही कॉमर्शियल ट्रक से रिलेटेड और आपके टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।